हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चों, गरीबी दूर करने के लिए भाई बहन रक्षाबंधन के दिन करें ये उपाय, बदल जाएगी किस्मत। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई बहन को गिफ्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सावन पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के विशेष उपायों के बारे में। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए और आपको समस्या का उपाय मिल जाए। बेटा, यहाँ पर हर प्रकार के उपाय बताए जाते हैं जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सके। बेटा, इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि एक राज है। आज तक ये उपाय किसी ने नहीं बताया है। अगर तुम ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे। इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल जरूर मिलेगा। 31 अगस्त दिन गुरुवार को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। हर वर्ष यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। कुछ जगहों पर रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जा रहा है तो कुछ जगहों पर 31 अगस्त को। 30 अगस्त को भद्राकाल रात 9 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए 31 अगस्त को यह पर्व शुभ मुहूर्त में मनाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में गरीबी दूर करने के लिए रक्षाबंधन पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से जीवन में शुभता और सम्मान में वृद्धि होती है और भाई बहन का रिश्ता भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले इन ज्योतिषीय उपायों के बारे में। इस उपाय से ग्रह देंगे शुभ प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से है। इस दिन भाई बहन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और शाम के समय चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। ऐसा करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और जीवन में तरक्की के मार्ग बनेंगे। इस उपाय से गरीबी होगी दूर। गरीबी दूर करने के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन के हाथ से गुलाबी कपड़े में चावल 1 रुपया और 1 सुपारी लेकर बांध लें। इसके बाद बहन भाई को राखी बांधें और फिर भाई बहन को वस्त्र, सफेद मिठाई और रुपए देकर चरण स्पर्श करें। फिर गुलाबी कपड़े में रखे सामान को उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और धन ढाने की कमी नहीं होती। इस उपाय से विघ्न होंगे दूर। बहनें जब भाई को राखी बांधें तब पूजा की थाली में फिटकरी भी रख लें। राखी बांधने के बाद फिटकरी को भाई के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टी दिशा में वार कर फिटकरी को चौराहे या चूल्हे की आग में फेंक दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि फिटकरी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेती है। इस उपाय से धन धान्य में होती है वृद्धि। रक्षाबंधन के दिन लाल रंग के मिट्टी के घड़े को लाल कपड़े से ढककर 1 नारियल रख दें और फिर भाई राखी बंधवाकर इस घड़े को झोली बनाकर बहते जल में प्रवाहित करें। फिर साथ में भाई बहन गणेश जी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और गणेश जी के आशीर्वाद से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। इस उपाय से बढ़ती है सुख समृद्धि। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन किसी गरीब व जरूरतमंद को भोजन कराएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। आप किसी गौशाला में गायों की सेवा के लिए धन का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय से मां लक्ष्मी की रहती है कृपा। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन पूर्णिमा तिथि का व्रत करें और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा अर्चना करें। साथ ही केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने बहन भाइयों को राखी बांधें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। फिर 8 कन्याओं को बुलाकर खीर का प्रसाद वितरण करें और लाल चुनरी के साथ दान भी करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में उन्नति के मार्ग बनते हैं।
रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के देवता चंद्रमा है। इस तिथि में चंद्रदेव की पूजा करने से मनुष्य का सभी जगह आधिपत्य हो जाता है। ये सौम्य तिथि है। कहते हैं कि रक्षाबंधन पर हनुमान जी को राखी बांधने से वे भाई बहनों के क्रोध को शांत करके उनमें आपसी प्रेम को बढ़ा देते हैं। आपको यदि ये लगता है कि मेरे भाई को किसी की नजर लग गई है, तो आप इस दिन फिटकरी को अपने भाई के ऊपर से 7 बार वार कर उस फिटकरी को किसी चौराहे पर फेंक आएं या चूल्हे की आग में जला दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ जाता है। इस दिन बहन को हर तरह से खुश रखने और उसे उसका मनपसंद उपहार देने से भाई के जीवन में भी गई खुशियां लौट आती हैं। कई क्षेत्रों में इस दिन अपने ग्रह दोष निवारण संबंधी उपाय भी आजमाए जाते हैं। आइए जाने कुछ प्रमुख और सरल उपाय। लेकिन बेटा, पहले इस वीडियो को फॉलो करके लाइक कर दे ताकि मुझे पता रहे कि तुमने ये वीडियो देख लिया है। 1. जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि शत्रु राशि में या खराब स्थान पर बैठा हो, वे काले पत्थर के चौकोर टुकड़े पर शनि यंत्र खड़िया से बनाकर अपने ऊपर से 8 बार उतार कर कुएं में फेंक दें। फिर कभी उस कुएं का जल नहीं पिए। 2. कांच की एक बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे कांच के कंचे से ही बंद कर अपने पर से उतार कर बहते जल के नीचे बहाएं। 3. राहु खराब होने की स्थिति में 11 नारियल पानी वाले अपने पर से उतार कर बहते जल में डालें। 4. चंद्र खराब होने की स्थिति में दूध से चंद्र को अर्घ्य देकर वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराय नम का यथाशक्ति जप करें, दूध का दान करें। 5. जिन्हें काल सर्प दोष हो, वे सर्प पूजन करें तथा चांदी की डिब्बी में शहद भरकर वीराने में गाड़ें। 6. माता सरस्वती का मंत्र ओम ऐन सरस्वत्यै नम स्फटिक की माला पर यथाशक्ति जपें, लाभ होगा, चंद्र एवं राहु की शांति होगी। 7. शत्रु शांति के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तथा गुड़ का नैवेद्य गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 8. ऐसा कोई पौधा जो किसी वटवृक्ष के नीचे लगा हो, घर में लाकर गमले में लगाएं, समृद्धि बढ़ेगी। 9. नजर दोष हो तो फिटकरी का टुकड़ा नजर लगे, व्यक्ति पर से उतार कर चूल्हे में जला दें, दोष दूर होगा। 10. किसी व्यक्ति ने पैसा लिया तो है लेकिन दे नहीं रहा, सूखे कपूर से काजल बनाएं, एक कागज पर उसका नाम काजल से लिखकर भारी पत्थर के नीचे दबा दें, लाभ होगा। 11. यदि घर में आए दिन दुर्घटना होती हो तो काली या महाकाली यंत्र को घर में छुपाकर स्थापित कर दें। 12. विवाह न हो रहा हो तो पुराना ताला जो खुला हो तथा खराब भी ना हो, चाबी अपने पास रख लें तथा अपने से पर से उतार कर रात्रि में चौराहे पर फेंक दें, पलट कर न देखें। 13. बीमारी ठीक ना हो रही हो तो रात्रि में कुछ हलवा पत्तल पर रखकर रोगी पर से 11 बार उतार कर चौराहे पर रख दें, या रात्रि में एक दिन पहले कोई सिक्का रोगी के सिरहाने रख दें, उस सिक्के को सुबह शमशान में फेंक दें। मेरे बच्चों, अगर तुमने यह वीडियो पूरा देख लिया है तो फॉलो लाइक करके कमेंट में अपना नाम और उम्र जरूर लिखें।